छत्तीसगढ़ में पहले चरण के तहत 20 सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मतदान प्रतिशत अच्छा है। हमने जो ऋण माफी की है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात की है, इत्यादि मुद्दे से लोग प्रभावित है, इसलिए मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा और वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमें 18 या 19 सीट मिलेगी और एक सीट धोखे से बीजेपी को मिल सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि जैसे ही अजीत पवार बीजेपी में शामिल हुए, उनका नाम ईडी से हटा दिया गया। हेमंत विश्वा शर्मा अभी सीएम है, उनका नाम शारदा चिटफंड भ्रष्टाचार में था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मोदी वॉशिंग पाउडर्स में धुलने के बाद सारे दाग साफ हो जाते हैं। मतलब मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा ही है, और जो हमने ऋण माफी किया है और घोषणा फिर से किया है, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला के 3200 रूपये क्विंटल धान का और 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने की बात, एजुकेशन फ्री करने की बात और 6000 प्रति माना बोरा के दर्शन तेंदुपत्ता, ये सारे जो मुद्दे हैं इससे लोग प्रभावित हैं और इसी कारण से मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और फर्स्ट टाइम वोटर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19, धोखे से एक आध सीट कहीं भाजपा आ जाए।